मान रही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन ऑयली स्किन के लिए आपको एक बेहतरीन मास्क बताने जा रही हूँ जिसको आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपकी जो ऑयली स्किन है एक्ने वाली स्किन है एक्ने ऑयल वाली स्किन है ये आपका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा काफ़ी हद तक। नाज़रीन आपको एक और टोटका भी बताऊँगी साथ आपने उसका भी इस्तेमाल करना है एज़ आ फेस वॉश। आपने तकरीबन एक चम्मच बेसन लेना है और हसबे ज़रूरत दूध लेना है दोनों का मिक्सर बना के आपने फेस पर लगाना है दो मिनट का मसाज करना है और फिर अपनी स्किन को वॉश कर लेंगे। इस टोटके के इस्तेमाल से पहले आपने ये जो टोटका मैंने आपको बताया है अभी ये बना के नहीं दिखाया सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ पहले आपने इससे फेस वॉश करना है और उसके बाद आपने इस टोटके का इस्तेमाल करना है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल कुदरती टोटका है कुदरती फेस मास्क है आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पहले ही इस्तेमाल से। आप डेली एक दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यानी दिन में आप एक बार इसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे। चूँकि गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है तो स्किन पर ऑयल सा बनने शुरू हो जाता है मेकअप भी नहीं ठहरता बार बार पसीना आने लगता है। आम रूटीन में भी या मेकअप वगैरह का आप जब इस्तेमाल करें पार्टी फंक्शन में जाएं तो भी आप उस सूरत में भी आपकी स्किन पर ऑयल सा बनना शुरू हो जाता है जब पसीना आना शुरू हो जाता है तो आपका ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा आपकी स्किन पर से जो पसीना है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी। अहम बात अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो आपकी स्किन अच्छी होगी बाल अच्छे होंगे आपका मैदा अच्छा रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा तो आपकी सेहत हशाश बशाश रहेगी कोई मसला नहीं होगा। नाज़रीन आपने करना यह है कि एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे और एक छोटा चम्मच आप शहद ले लेंगे दोनों अज्जा का मिक्सर बना लेंगे और इस मिक्सर को आपने स्किन पर अप्लाई करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। सबसे पहले इसमें हम एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे तकरीबन एक छोटा चम्मच और इसके बाद एक छोटा चम्मच हम शहद इसमें ऐड करेंगे दोनों का मिक्सर तैयार कर लेंगे और फिर इस मिक्सर को हम स्किन पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन पर। आपके सामने मैंने एक मिक्सर तैयार किया है एलोवेरा जेल और शहद ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है ये एलोवेरा जेल और शहद का मिक्सर इस्तेमाल करने से पहले आपको एक चीज़ बताई है मैंने दूध और बेसन उससे आपने फेस वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने ये टोटका अप्लाई करना है अपनी स्किन पर इंशाल्लाह आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे और 10 दिन मुसलसल आपने इसका इस्तेमाल करना है 10 दिन के अंदर अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और आप मुतमईन रहेंगे। अगर कोई ब्यूटी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या एक्ने के लिए कोई क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करें तो उनका इस्तेमाल तक कर दें। नाज़रीन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़।